दोस्तों आज संडे है और संडे के इस नए हॉटशॉट में आपका स्वागत है। यहाँ मैं बताऊंगा आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश और आप देख रहे हैं लवकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला अपडेट आता है परमाणु क्षमता से लैस एक मिसाइल को लेकर के। वो एक ऐसी मिसाइल है जो अपनी सेना को जबरदस्त ताकत दे सकती है। उसका जो किलोमीटर का एरिया है वो 350 किलोमीटर तक के एरिया में डायरेक्ट निशाना लगा सकती है, वो भी जो निशाना उसको दिया गया है उसी जगह पर। तो देखने वाली बात है कि आर्मी इसको किस तरह से हेल्प में ले सकती है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है उबर की एक 5 साइयर्स के प्रोजेक्ट को लेकर के। उबर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया जहां पर आपको उड़ने वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मजा तो तब आएगा जब वो गाड़ियां भारत के अंदर आएंगी। उस प्रोजेक्ट के तहत आपको आने वाले 5 साल के अंदर उड़ने वाली गाड़ियां आपको उस सड़कों पर देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके ट्रैफिक को बहुत कम कर देंगी और आपको बिना ट्रैफिक की जोड़ भाग से आराम से कहीं पर भी आपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आइडिया पेमेंट बैंक को लेकर के। आइडिया ने अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट कर दिया है और उससे पहले एयरटेल ने अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट किया था। अब जियो भी इस लाइन में आने वाला है। तो देखते हैं कि इस तरह से पेटीएम को कितनी भयंकर टक्कर मिलने वाली है। व्हाट्सएप ने भी पेमेंट फीचर लॉन्च किया था जिसके चलते जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन वाले एप्लीकेशन हैं जो कि आपको आराम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जितनी एप्लीकेशन इन सभी को टक्कर मिलेगी व्हाट्सएप की इस एप्लीकेशन आने के बाद। और जल्द ही इसके अंदर जियो भी अपनी लाइन में आने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है MWC को लेकर के। MWC में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं। 25th से चलने वाला है इनका शो। तो यहाँ पर नोकिया भी अपने 4 स्मार्टफोन लॉन्च करता है, सैमसंग गैलेक्सी S9, S9 Plus और भी मोटोरोला की G6 और G7 G7 Plus वगैरह वगैरह स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से आपको ये फायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने प्लान नहीं बनाया है स्मार्टफोन परचेज करने का, तो जो 26 और 25 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है MWC, तो वहाँ पर देख सकते हो आप कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च होता है आपके हिसाब से, आपकी प्राइस के हिसाब से आपका कितना बजट है, तब उसके बाद आप स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं आराम से कंपेयर करके। तो जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो RBI की न्यू गाइडलाइन को लेकर के आ रहा है। RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है जहाँ पर बताया गया कि जो जितनी भी सभी वॉलेट ट्रांजेक्शन है, जितनी भी सभी वॉलेट एप्लीकेशन है, सभी को 7 दिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा। यदि आप अभी भी वॉलेट को यूज कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट को यूज कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। बिकॉज यदि आपका मोबाइल वॉलेट आपका KYC आधारित नहीं है, यदि आपने KYC वेरीफाई नहीं करवाया है, तो आपका वॉलेट 7 या 8 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। या फिर अपने वॉलेट को 7 या 8 दिन के अंदर अंदर KYC वेरीफाई करवा लीजिए, अदरवाइज आपके जितने भी पैसे हैं वॉलेट के अंदर वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। अभी सरकार ने वहाँ पर छूट दी है, वहाँ पर एक पैसा भी नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे यदि आप वॉलेट से बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आप 5G स्पीड को लेकर के आ रहा है। दोस्तों हुआवे ने एयरटेल के साथ एक समझौते में गुड़गांव मानेसर के अंदर 5G की स्पीड टेस्ट की थी, वहां पर मिली है 5G की स्पीड 3 Gbps per second। दोस्तों एयरटेल यहां पर सबसे आगे निकल कर आ चुका है, जियो को भी पीछे छोड़ दिया उसने। तो देखने वाली बात है कि 2019 या 20 तक हमें किस तरह से 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट आप मीडिया टेक के प्रोसेसर को लेकर के। मीडिया टेक ने सबसे पहले शुरुआत कर दी है वोल्टी की, जहां पर आपको एक स्मार्टफोन के अंदर दोनों के दोनों सिम कार्ड वोल्टी देखने को मिल सकते हैं। तो आप उनको दोनों के दोनों सिम कार्ड को 4G वोल्टी आराम से चला सकते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है आधार कार्ड को लिंक को लेकर के। आधार कार्ड का लिंक आप 31 मार्च तक नहीं करवाया तो उसको करा लीजिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं। वहां पर अर्जी गई थी कि थोड़ी सी डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ना एक दिन तो ये जो आधार कार्ड की डेट है लास्ट तो कभी आना ही इसका, तो इस क्यों ना अभी आ जाए 31 मार्च। तो 31 मार्च तक आप अपने आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, अदरवाइज आपने नहीं करवाया मोबाइल नंबर के साथ तो आपकी जो सर्विसेज बैन कर दी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो फेसबुक मैसेंजर को लेकर के आ रहा है। यदि आप फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं तो वहां पर आपको ग्रुप वीडियो कॉलिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है प्रिया प्रकाश को लेकर के। प्रिया प्रकाश को कौन नहीं जानता। दोस्तों उन्होंने इंस्टाग्राम के मालिक हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया फॉलोवर्स के मामले में, अपनी पॉपुलरिटी के मामले, और फेसबुक के ओनर्स जो हैं मार्क जकरबर्ग उनको भी पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि सभी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है चैट सिम को लेकर के। दोस्तों कैसा लगेगा यदि आपके पास एक सिम कार्ड हो और आपके उसके अंदर एक छोटा सा रिचार्ज करना हो, सिर्फ एक बार लाइफ के अंदर उस पूरे के पूरे रिचार्ज से आप पूरी जिंदगी भर व्हाट्सएप फेसबुक फ्री में चला पाएं। दोस्तों ऐसा ही सिम कार्ड लॉन्च हुआ है जहां पर 165 देशों में ये सर्विसेज दी जाएंगी। तो एक चैट सिम के नाम से एक नया सिम कार्ड है। यदि आप देखते हैं भारत के अंदर कब तक आता है और आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप वो सिम कार्ड लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे, जो सिर्फ और सिर्फ
आपकी जो इंटरनेट के लिए जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको यूज करने में सहायक रहेगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा वो। तो उसका कितना रिचार्ज आता है, क्या आता है, ये वाली देखने वाली बात है। तो जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वोडाफोन की न्यू प्लान को लेकर के आ रहा है। वोडाफोन ने अपने दो नए प्लान लॉन्च कर दिए जहां पर आपको 549 में 3.5 GB पर डे इंटरनेट देखने को मिल सकता है और ऐसे ही 799 में आपको 4.5 GB इंटरनेट देखने को मिल सकता है, वो भी दोनों के दोनों 28 डेज के लिए। तो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS पर डे की यहाँ पर तो फ्री रहने वाले हैं और रोमिंग आपको 100% फ्री मिलने वाली है। ये सभी जियो के कारण ही हुआ है, यदि जियो नहीं होता तो आज भी आप बहुत 246 वगैरह में 1 GB इंटरनेट देखने को मिल सकता था 28 डेज के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस प्लान को रिचार्ज कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते? यदि आप दूसरा सिम कार्ड यूज करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको सभी सिम कार्ड के अंदर ये वाले प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है 13th नंबर को लेकर के। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि आने वाले टाइम के अंदर आपको 13 नंबर मिलेंगे एक सिम कार्ड के। आप 10 नंबर का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 नंबर का होता है, तो आने वाले टाइम में आपको 13 नंबर का सिम कार्ड यूज करने को मिल जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर वो 13 नंबर का हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक फेक न्यूज थी, मतलब फेक तो नहीं थी, इसको हम फेक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको अफवाह बना दिया था क्योंकि जो वो नंबर चेंज होने वाला है वो है M2M, मतलब कि मशीन टू मशीन का नंबर चेंज होने वाला है, आपके मोबाइल नंबर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सभी नंबर जो सिम कार्ड के कार्ड होता है उसका नंबर होता है, सिम कार्ड के नंबर्स होते हैं जहां पर सिम कार्ड को आसानी से जान सकते हैं। उसके ज्यादा नंबर यूजर्स हो रहे थे, इसकी वजह से उसके 13 नंबर की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। दोस्तों जो फाइनल अपडेट आ रहा है वो बॉलीवुड से आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं जो श्रीदेवी, उनका निधन हो चुका है, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर कार्ड में मिल जाएगा, इधर है देख लेना आप, उस कार्ड में जाकर के श्रीदेवी वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगी वो कौन थी और क्या क्या करती थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको हर संडे को देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।